गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल्सो वेरी फाइन. वी आर रीडिंग चैप्टर 9, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग क्लीन एनवायरनमेंट, व्हाट इज वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट. ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी रीड. टूडे वी विल रीड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट और डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ देयर सेम. वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जो हमारे जो हाउस का जो आसपास का जो सारे वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं. ओके, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, और सॉलिड और जो लिक्विड वो उसको वो अलग अलग करके उसको डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सेम. टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. अपने हमें एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ सुथरा और हेल्दी स्वास्थ्य रखने के लिए वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. डिस्पोज करना चाहिए जो वेस्ट का इन ए मोस्ट इफेक्टिव मैनर. जो मोस्ट इफेक्टिव मैनर है उस तरीकों को अपनाकर हमें अपने जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी हो सके. मेथड यूज फॉर वेस्ट मैनेज वेस्ट डिस्पोजल आर, जो मैथ क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने के लिए. सैनिटरी लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल इज लाइक जो ओपन होता एरिया होता है और जहाँ पर डीप होता है उस एरिया में जो वेस्ट होता है वो डाल देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम सॉइल यानी मिट्टी वगैरह डाल देते हैं. दिस इज डन इफ ओपन लैंड इज अवेलेबल. ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ओपन लैंड अवेलेबल है. एट ए प्लेस फॉर ऑफ फ्रॉम द रेजिडेंटल एरिया, जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में नहीं डालेंगे. अगर हम उस एरिया में वेस्ट डालेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है. अदरवाइज हमें ऐसी जगह पर इसको लैंड फिल अवेलेबल होनी चाहिए जो कि रेजिडेंटल, जो कि रहने वाले जो हमारा एरिया उससे दूर हो. द ट्रक एंड डंपर कैरी द सिटी वेस्ट. ट्रक या डंपर होते हैं वो उस वेस्ट को ले जाते हैं सिटी से दूर टू द लैंड फिल, और जो लैंड वो एरिया होता है उस पर वो फिल करते हैं. एंड इट इज सेपरेट ओवर द लैंड सरफेस, और पूरे ये जो लैंड है जो धरती पर है उस पर लैंड पर इसको क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं, फैला देते हैं. इट इज प्रोसेस्ड बाय द शॉर्टिंग, कट द शॉर्टिंग, कट द वेस्ट एंड रिमूविंग रिसाइकलेबल मटेरियल लाइक पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ एंड मेटल फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट. तो जो रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है जो रिसाइकल कहते हैं आउट द वेस्ट फॉर रिमूविंग द पेपर हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ और मेटल फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट. When full they are covered, जब वो फुल हो जाता है उस ओपन लैंड एरिया वेस्ट से, when full they are covered with the soil, तो उसको सॉइल मिट्टी से कवर कर देते हैं. And park are built over from them for beautification, और उसकी सुंदरता के लिए उसको पार्क का रूप दे देते हैं. इसके नीचे सबसे पहले इसको क्या किया गया है, वेस्ट डाला गया है, इसके ऊपर फिर सॉइल से कवर कर दिया गया है और इसको एक पार्क का रूप दे दिया है. ओके, सेकंड क्या है, फर्स्ट तो हम अपने वेस्ट को, ये वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या बनाए गए हैं इसको, कि
कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं. फर्स्ट आता सैनिटरी लैंडफिल, सेकंड इज इंसिनरेशन यानी कि बर्निंग, उसको जलाया भी जा सकता है. द इंटायर सॉलिड वेस्ट इज ब्रॉट एट वन प्लेस एंड बर्न, मतलब इंटायर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको दूसरी जगह पे लाया जाता है, उसको जला देते हैं. इट इज वेरी क्विक एंड इजीएस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट सॉलिड, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल का ये क्या है, बहुत आसान तरीका है. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जिसको बर्निंग का जो तरीका है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, बट इस प्रोसेस से है बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है काजिज सेवरल पोल्यूशन ऑफ एरिया, और बट इससे जो बर्निंग से जो पोल्यूशन बनता है उसमें कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे एयर पोल्यूशन होता है. If landfill are not available, we have no choose but it to accept this method. ठीक है, सबसे पहले तो हमें landfill का method use करना चाहिए, second ये है ठीक है, but इससे air pollution ज़्यादा होता है. third है composting, compost का होता है खाद जो बनाते हैं उसे compost. कंपोस्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट ट्रांसफर डी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट इनटू रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट. बच्चों जो कि जो चीज़ हमारी डिकम्पोज्ड जो कि खाद होती है उसमें इस्तेमाल होता है, लाइक दिस एक नेचुरल प्रोसेस है ये ठीक है. आपने अपने आसपास देखा हो कई बार वेस्ट डाल दे तो उसमें उसमें अर्थवॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं केचुए, वो उसको नेचुरल प्रोसेस से उसको खाद का खाद बना देते हैं यानी कंपोस्ट बना देते हैं, और वो जो सॉइल बनती है जो मिट्टी बनती है वो क्या होती है, रिच सॉइल होती है, वो खाद के लिए वो खाद होती है और उसकी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इफ एडिड टू यूअर गार्डन सॉइल, अगर आप इसके अंदर क्या है, इस खाद के अंदर गार्डन की सॉइल में कंपोस्ट हैज मैनी बेनिफिट फॉर यूअर गार्डन, आप इसको अपने गार्डन में भी डाल सकते हैं. लॉन और हाउस होल्ड प्लांट या जो घर में जो पौधे वगैरह रखते हैं आप उनमें भी ये खाद यूज कर सकते हैं. इट आल्सो रिड्यूस द लैंड फिल कॉस्ट, इट आल्सो रिड्यूस द लैंड फिल कॉस्ट. ठीक है बच्चों, तो हम इसको थ्री वे द्वारा इन मेथड को अपनाकर जो हमारा वेस्ट मैनेज उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.